गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर वन का फिनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक लॉस ऑफ स्टॉक को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए। मिस्टर गौरव गुप्ता अपना अकाउंट 30 सितंबर एवरी ईयर बनाते थे, 31 दिसंबर 2018 में उनके यहाँ फायर हुआ, लार्ज स्टॉक जल गया। उनके बुक से मिला है ओपनिंग स्टॉक परचेज वेजेस सेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। रेट ऑफ जीपी दिया हुआ 33 1/3 ऑन कॉस्ट, ध्यान रखिएगा ऑन कॉस्ट 3000 का सालवेज हुआ, पॉलिसी वैल्यू 25000 है। यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, स्टॉक जो था ओपनिंग 10% लेस देन था, बिलो कॉस्ट का था, इसको ठीक करना होगा 100/90। प्लांट हम लोग बैठाए थे, इंस्टॉल किए थे, उसका वेजेज जो दिए थे 500 वेजेज में इंक्लूडेड है, ये वेजेज अपना रॉन्ग है, इसमें 500 इंस्टॉलेशन चार्ज है, उसको माइनस करेंगे। परचेज में प्लांट का कॉस्ट इंक्लूडेड है, परचेज किए थे प्लांट का, परचेज में इंक्लूड हो गया, परचेज से माइनस करेंगे। ये एडजस्टमेंट दिया हुआ स्टॉक में, वेजेज में और परचेज में, बोला है आप नेट क्लेम निकालिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ गौरव गुप्ता, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे, जीपी रेट दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 29700, 10% बिलो कॉस्ट है, 10/90। ओके, टू परचेज, परचेज 75000, इसमें से माइनस होगा कॉस्ट ऑफ प्लांट 5000, ये होगा 70000। टू वेजेज 33000, इसमें से माइनस होगा इंस्टॉलेशन 500 था, 32500। बाय सेल्स, सेल्स में इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 140000। इसका आपको निकालना होगा, ये 33000 आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 29700 90% पे इतना 33। अब यहाँ लाते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट 140000, जीपी रेट 33.333, ऑन कॉस्ट था इसलिए नीचे 133.333, 35000 आंसर आएगा। बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 170500, बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर 30000। मेमोरेंडम ट्रेडिंग जैसे बनता था, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू था, ठीक कर दिए, परचेज में प्लांट इंक्लूडेड था माइनस कर दिए, वेजेज में इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड था माइनस कर दिए, बाय सेल्स निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट ऑन कॉस्ट दिया था उसको कन्वर्ट कर लिए, बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ गया आपका 30500, साल्वेज वैल्यू देखते हैं, साल्वेज वैल्यू 3000 है, पॉलिसी वैल्यू देखते हैं 25000 है। यहां आते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक लॉस बाय फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 30500, साल्वेज वैल्यू 3000, 27500, इसको बोलेंगे स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। अब नेट क्लेम निकालेंगे, नेट क्लेम का फॉर्मूला देंगे, स्टॉक लॉस्ट बाय फायर डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी वैल्यू,
लॉस्ट बाई फायर 27,500, डेट ऑफ फायर 30,500, पॉलिसी वैल्यू इज 25,000। नेट क्लेम 22,541। ठीक है, तो सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनेगा जहां से स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर होगा, ओपनिंग परचेज वेजेस एडजस्टमेंट के साथ था, सेल से जीपी निकाले, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 30,500, सालवेज माइनस किए 27,500, नेट क्लेम का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये देखिए एक दूसरा नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने रख दिए। 30 मार्च 2019 में फायर हुआ था मेसर्स इंडो ब्रदर्स के यहाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी 60,000 का था एवरेज क्लॉज के साथ। बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चला है आपको जनवरी टू 31 मार्च 3 महीने का अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक 95,600, परचेज में देखिए मशीन इंक्लूडेड है, बगल में ही बताया है, परचेज से माइनस, वेजेज में इंस्टॉलेशन इंक्लूड है, वेजेज से माइनस। यहाँ देखिए सेल्स है 275,000, इसमें सेल और रिटर्न बेसिस पे 49,500 का स्टॉक इंक्लूडेड है। 49,500 में गुड सेलों ने अप्रूवल बेसिस भेजे थे, उसमें से 2/3 का कोई अप्रूवल नहीं आया है, इसका 2/3 निकालेंगे 33,000 होगा। सेल से कैंसिल करके फिर उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे और कॉस्ट स्टॉक विद कस्टमर कहलाएगा। यहाँ देखिए जीपी रेट 20% है, सालवेज वैल्यू 12,300 है, अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ एडजस्टमेंट ये है, सेल और रिटर्न पे 49,500 सेंड किए थे, उसका 2/3 का अभी कोई अप्रूवल नहीं आया है, इसका 2/3 होता है 33,000। 33,000 सेल से कैंसिल करेंगे, 33 को कॉस्ट में कन्वर्ट करके स्टॉक विद कस्टमर बनाएंगे। ठीक है, ये एक नया एडजस्टमेंट है, चलिए सोल्व करके देखते हैं कैसे। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स इंडो ब्रदर्स, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना है 30 मार्च तक के लिए। ओपनिंग स्टॉक 95,600 था, टू ओपनिंग स्टॉक, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 95,600। परचेज आपका 1,70,000 था, इसमें लेस कॉस्ट ऑफ मशीन, एक मशीनरी परचेज किए थे 30,000 का था, जो परचेज में इंक्लूडेड था 1,40,000। वेजेज आपका 50,000 था, इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज इंक्लूडेड था, इंस्टॉलेशन चार्ज 3,000 था, ये हो गया आपका 47,000। बाई सेल्स था 275,000, इसमें से माइनस होगा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, उसका अमाउंट था 49,500, लेकिन उसका 2/3 लेंगे। ठीक है, 2/3 हो जाएगा 33,000, ये हो गया आपको 242। अब फिर इसको स्टॉक विथ कस्टमर कॉस्ट प्राइस पर बना लेंगे, 33,000, 20% जीपी है तो 80/100 कॉस्ट प्राइस बनाएंगे, 80/100 26,400। अब यहां आंसर आ जाएगा बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, उसके पहले यहां ग्रॉस प्रॉफिट लाना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट सेल लाएंगे 242,000, 20/100 48,400, 95,600 प्लस 1,40,000 प्लस 47,000 प्लस 48,400 331,000 माइनस 242,000
माइनस 26,400 62,600। इस सवाल का मेन पॉइंट अगर आप देखो तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे 49,500 का स्टॉक दिए थे, टू थर्ड का इन्फॉर्मेशन नहीं आया, 49,500 का 2/3 33,000 सेल से कैंसिल कर दिए, फिर इसको कॉस्ट में कन्वर्ट किए, 20% जीपी इसमें से बाद देके 80% कॉस्ट निकाल दिए। ओके, फिर इस सेल के ऊपर जीपी निकाले, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 62,600 आ गया। अब चले आते हैं स्टेटमेंट में, साल्वेज माइनस करेंगे, साल्वेज 12,300, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 62,600 माइनस साल्वेज है 12,300, यह आ गया स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। नेट क्लेम होगा स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी 50,300 डिवाइडेड बाय 62,600, पॉलिसी वैल्यू इज 60,000। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनता है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर के लिए, फिर उसके बाद स्टेटमेंट बना लेंगे, पॉलिसी वैल्यू चलाएंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।